न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं? देखो, न्यूट्रल पॉइंट समझने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ की सरफेस पे एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच की कैलकुलेशन के लिए क्या तरीका है, इसको समझते हैं। देखो, आपके पहली बात तो ये समझिए, मैग्नेट ऐसा नहीं है, प्लीज़, ये मैग्नेट हॉरिजॉन्टल पड़ा है, ये मैग्नेट ऐसा नहीं है, ये मैग्नेट ऐसा है, तो ऐसे रख के इसका फोटो खींच के ऐसे डाल रखा है, तो ये टॉप व्यू है हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो एक मैग्नेट पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और मान लो अर्थ की लाइंस भी पास करेंगी अर्थ के सरफेस के साथ साथ, तो अर्थ का ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, क्योंकि लाइंस कभी नॉर्थ में एंटर नहीं करती, कहीं ना कहीं अर्थ का साउथ ऊपर होता होगा, मैग्नेट का साउथ ऊपर होता है ना अर्थ का, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये एक्चुअल नॉर्थ है मैग्नेट का। तो कुछ लाइंस इस मैग्नेट की हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने आसपास ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कुछ फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ का फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि इस मैग्नेट के आसपास फील्ड ही फील्ड है, मैग्नेट का भी फील्ड है और अर्थ का भी फील्ड है, ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटली देखी हुई चीज़ है कि फील्ड ही फील्ड में दो पॉइंट्स ऐसे निकले, यहाँ पे और यहाँ पे, इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स ऐसे निकले जहां पर नेट फील्ड जीरो आ गया। आपको कि जीरो कैसे आ गया, फील्ड ही फील्ड है, अर्थ का फील्ड भी है, मैग्नेट का फील्ड भी है, फिर भी जीरो आ गया। जीरो कब क्यों आया होगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल नहीं, टोटल भी नहीं, क्योंकि सर्फेस के ऊपर क्या चलता है, एच चलता है, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ने मैग्नेट के प्रोड्यूस किए हुए बी को क्या कर दिया, कैंसल, इसलिए उस पॉइंट पर नेट भी क्या आ गया, जीरो। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एक पॉइंट जहां पर नेट फील्ड क्या आता है, जीरो, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। और ये ऑब्जर्व किया गया, ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पर आया, मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आया, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे आया, तो यहां पर मैंने क्या किया, मैग्नेट का इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लिया, इक्वेटोरियल का फॉर्मूले ने किसको कैंसिल किया, इक्वेटोरियल ने अर्थ के हॉरिजॉन्टल एच को कैंसिल किया। तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट अगर पता लग जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज डी है, तो मैं इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा के बी कैलकुलेट कर लूंगा, वही मेरा क्या माना जाएगा, एच। तो देखो एच निकालना कितना आसान है, मैग्नेट रखो, एच आ गया, तो मैग्नेट की हेल्प से ही हमने क्या निकाल दिया, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट निकाल दिया, राइट। एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, इस बार क्या किया, मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर था, इस बार मैग्नेट का साउथ ऊपर कर दिया और नॉर्थ नीचे कर दिया, फिर से दो न्यूट्रल पॉइंट आए, ये एक्सपेरिमेंट है, हमने कर क्यों और कैसे नहीं है, ये आए हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर और यहां पर है, और ये लाइन कौन सी है, इसकी एक्सियल लाइन है। तो इसके एक्सियल लाइन के ऊपर अर्थ का जो एक्सियल का फॉर्मूला है उसने अर्थ के एच को क्या कर दिया, कैंसिल, तभी वो न्यूट्रल पॉइंट बना। तो आप अगर एक्सिस के ऊपर यहां पर ये डिस्टेंस मेजर कर लें और ये फॉर्मूला लगा लें, वही अर्थ का क्या माना जाएगा, एच माना जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अर्थ का एच कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक्सपेरिमेंटली अर्थ के एच को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं।